आज हम जानेंगे बाल मजदूरी के बारे में। व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त किया जाता है, उसे बाल श्रम मजदूर कहलाते हैं। आपने चाय की दुकान, कारखानों में, खेती में कभी रास्ते पर भंगार उठाते तो कभी भीख मांगते बच्चों को देखा ही होगा। अपने परिवार की बुरी हालात देखकर कभी माँ बाप भी अतिरिक्त कमाई की वजह से बच्चों को मजदूरी को भेज देते हैं, तो कुछ अपने परिवार वालों के व्यवहार से परेशान होकर घर से भाग जाते हैं। इस वजह से बचपन में ही काम करने को मजबूर हो जाते हैं। बहुत ही कम पैसे में 18-18, 20-20 घंटे तक काम करते हैं और अपनी पढ़ाई से वीरत रहते हैं, जिसे गैर कानूनी माना जाता है। इससे जागरूक करने के लिए 12 जून को विश्व बाल निषेध दिन मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खतरनाक गतिविधियों में रोजगार के खिलाफ 14 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में बाल तस्करी और मजबूर श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को कानून और नीति बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रूप में परिभाषित किया गया था। 2016 के तहत फिल्म, सीरियल में काम करने वाले बाल कलाकारों को इससे छूट दी गई। यदि कोई नियोक्ता 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य पर लगाता है तो 2 साल की कैद या 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।